को कॉल करती है और बोलती है स्टडी के लिए मुझे एक फ्रेंड के साथ रहना होगा। उसकी मैम परमिशन दे देती है। वो अजिन के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। अजिन उसे अपने रूम में ही रहने के लिए जगह देता है। बोलता है हाफ पोर्शन तुम्हारा और हाफ मेरा रहेगा। और अजिन के साथ में बहुत सारे रिचुअल्स की चीजें रहती है। वो देख के फा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अजिन उन दोनों के बीच में एक डोरी के साथ लाइन खींच देता है और बोलता है इस बार तुम भूल के भी मत आना और हाँ मेरी चीजों को हाथ में भी मत लेना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ कभी भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना। वो बोलती है ठीक है। अजिन सो जाता है, लेकिन इतना अजीब सा रूम देख के फा को नींद नहीं आ रही थी। वो बाहर जाने लगती है और देखती है बालकनी में ढेर सारी बुक्स रखी हुई है। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बुक्स पढ़ने लगती है। सुबह अजिन ब्रेकफास्ट बनाता है फा के लिए। फिर वो फा को ढूंढने लगता है, वो नहीं मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर वो बालकनी में जाके देखता है फा तो बुक पढ़ते पढ़ते वहाँ ही सो गई। फिर वो उसे डरा के उठाता है। फिर दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और फा तो ब्रेकफास्ट करते करते ही जा रही थी। अजिन फा को थोड़ी से दूर में ही ड्रॉप करता है और बोलता है तुम यहाँ से चल के जाना। वो बोलती है क्यों? अजिन बोलता है अगर कोई देख लेगा हमें तो गलत समझेगा। अजिन फा को एक नेकलेस दिखाता है और पहनाता है। बोलता है तुम इसे कभी भी मत खोलना, ये तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। जब तक ये तुम्हारे पास है वो इवल इंसान तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं और फा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अजिन उसे बोलता है क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो बोलती है नहीं। तभी ना तीन लड़कियाँ आती है और उनकी फोटोज लेने लगती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। सारी लड़कियाँ फा को घेर लेती है और बार बार पूछने लगती है टीचर अजिन के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? फा बोलती है कुछ भी नहीं। तभी कावन बोलती है शायद ऐसे ही ये अपना ग्रेड पर आती है और हमेशा टॉपर बनती है टीचर्स के साथ रिलेशन रख के। तभी वहाँ पे अजिन आता है एक लंच बॉक्स लेके और फिर वो देता है फा को और बोलता है तुमने खाना नहीं खाया था, इसे लंच में खा लेना। सब लोग हैरान हो जाते हैं, फा भी। और फिर अजिन बोलता है तुम अपने अंकल को ऐसे मत बताना। और हाँ लड़कियों मैं आज बताना चाहता हूँ मैं फा का अंकल हूँ। और हाँ प्रिंसिपल नहीं चाहते है कि हम हमारा रिलेशन किसी को भी बताए, लेकिन तुम लोगों को पता चल चुका है, तुम लोग प्लीज किसी को मत बताना। और हाँ उसे कभी भी मैं एक्स्ट्रा नंबर नहीं दूंगा, तो टेंशन मत लेना। और फा तुम लंच ब्रेक में मुझसे मिलना मेरे ऑफिस में और तुम्हारे मैम ने तुम्हें कुछ मैसेज भेजा है, प्लीज चेक कर लेना। फा अपने मैम का मैसेज चेक करती है, एक वॉइस मैसेज था जिसमें बोला गया है अजिन अंकल तुम्हारे साथ ही रहने वाले हैं, उनको ज्यादा मत सताना और उनकी बात मानना। और ये सुनकर फा तो हैरान हो जाती है, लेकिन सारी लड़कियाँ कंफर्म हो जाती है कि अजिन उसका अंकल है। फा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अजिन के ऑफिस में जाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैम को इन सब के बीच में लाने का, तुमने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों किया? अजिन बोलता है मैंने ब्लैक मैजिक नहीं किया, बस थोड़ा सा हिप्नोटाइज किया था, क्योंकि मैं तो यहाँ से अपना काम करके चला जाऊंगा लेकिन तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा, लोग तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे। फा को फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बार बार बोलती है मेरे पेरेंट्स के ऊपर ना कोई भी बात नहीं आनी चाहिए, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करते? और अपने पेरेंट्स का नाम सुन के अजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फा के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बार बार बोला है ना कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछना, अगली बार अगर कोई भी क्वेश्चन तुमने पूछा तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। फा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर अजिन बोलता है अच्छा छोड़ो, चलो काम की बात करते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने एक लिस्ट निकाला है टॉपर्स की, यहाँ पे सारी लड़कियों का नाम है, तुम इन पर ना अच्छे से नजर रखना और देखो नेक्स्ट विक्टिम तुम्हारा कौन है। वो देखती है नामशा नाम की एक लड़की है। अजिन बोलता है अभी मैं क्लास में जा रहा हूँ, तुम ना क्लास के बाद यहाँ पर ही रुकना, मैं और तुम फिर छानबीन करेंगे सब लोग घर जाने के बाद। और हाँ तुम एक विक्टिम रह चुकी हो तो तुम्हें बहुत सारे इल्यूशन होने वाले है, वो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें ना समझ भी नहीं आएगा कि क्या ये रियल है या फिर इल्यूशन है, तुम्हें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। फा को याद आता है कि वो और नामशाई पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और वो वीडियोस जो वो बनाया करती थी उसमें वो और नामशाई हुआ करते थे। नामशाई को दिखाया जाता है वो बहुत देर तक स्टडी कर रही थी और वो भी एक टॉपर थी। वहाँ पे उसकी दोस्त आती है और बोलती है अभी हमें घर जाना होगा, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। फा उन्हें चुपके से देख रही थी, फा वहाँ से हट जाती है। तभी फा की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, उसके मुंह से खून निकलना स्टार्ट होता है और ऐसा लग रहा था कि उसने ना ब्रोकन ग्लास खा लिया था, वो एक के बाद एक निकाल रही थी और बहुत ही ज्यादा उसे दर्द हो रहा था। तभी पीछे से नामशाई आती है और बोलती है फा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है?
और फिर पीछे से ना उसके ढेर सारे हाथ आते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। नामशाई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है, साहब प्लीज मुझे बचा लो। और कोई ना उसे ब्रोकन ग्लास से मारने की कोशिश करता है। असल में ये सब फाका एक सपना था, वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी अजीन उसे कॉल करता है और बोलता है काम के वक्त ना ऐसे सोया मत करो, और वैसे तुम डरो मत, वो बस तुम्हारी इल्यूशंस है। और हाँ, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, आसपास हूँ। अजीन के पास एक डिवाइस था जो ना इवन चीजों को डिटेक्ट कर लेता था। तो अजीन को ना एक बहुत ही अजीब सा डॉल मिलता है और सब कुछ बहुत ही ज्यादा अबनॉर्मल हो जाता है। फिर अजीन कुछ करता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। आप बहुत सोचने के बाद नामशाई को कॉल करती है और बोलती है कैसी हो। नामशाई बोलती है क्या कुछ काम है, वो बोलती है नहीं। फिर नामशाई बोलती है मुझे पता है मैं भी टॉपर हूँ ना, इसीलिए तुम्हें मेरी टेंशन हो रही है। तुम टेंशन मत लो, मैं घर में हूँ और एकदम सेफ हूँ। हाँ, थोड़ा सा टेंशन फ्री होती है, लेकिन नामशाई ने उसे झूठ बोला था। नामशाई के पीछे से उसकी फ्रेंड्स आती है और बोलती है हम कब तक स्कूल में रहेंगे, चलो जल्दी से घर जाते हैं। फा बोलती है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। नामशाई बोलती है ऐसे ही, असल में मुझे ना कुछ चिट्ठियाँ वगैरह मिल रही थी, तो एक चिट्ठी में लिखा हुआ था कि म्यूजिक रूम में मुझसे मिलो। फा उसे मना करती है, बोलती है प्लीज तुम म्यूजिक रूम में मत जाओ। वो बोलती है नहीं मैं तो जाऊंगी। नामशाई कॉल कट करती है और अंदर जाती है। फा भी भागने लगती है म्यूजिक रूम की तरफ। नामशाई देखती है उस रूम में किसी ने एक डमी को बहुत ही डरावने तरीके से हैंग किया हुआ था। वो देख कर नामशाई बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फा उसके पास आती है और उसे संभालने लगती है। अजीन भी उनकी चीखें सुन के उस रूम में आता है, तभी उसके पीछे से एक लड़की भागती है। अजीन उस लड़की को नहीं पकड़ पाता है। फा घर आने के बाद नामशाई से बात करती है और नामशाई बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा डर गई हूँ, शायद मैं कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाऊंगी। फा बोलती है यही ठीक रहेगा क्योंकि अगली विक्टिम तुम हो, तुम्हें घर पे ही सेफ रहना होगा। फिर वो आके सब कुछ अजीन को बताती है। अजीन बोलता है मैंने इस बार बहुत अच्छा सा प्लान बनाया है, तो मैंने सारे टॉपर्स के लिए ना एक स्पेशल एग्जाम रखा है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स भी रहेंगे, और हमें तो अच्छे से पता ही है ये जो इंसान है इसे ना टॉपर्स से बहुत ही ज्यादा चिढ़ है, तो सारे टॉपर्स को एक साथ देखने के लिए ये वहाँ पे जरूर आएगा और हम ना वहाँ से ही पता लगाएंगे ये कौन है। एग्जाम स्टार्ट होती है, सारे स्टूडेंट्स आए थे, सभी एग्जाम दे रही थी। एक ब्रेक होता है, अजीन और मिलते हैं। अजीन बोलता है यहाँ पर बस मैंने साइंस स्टूडेंट्स के लिए ही रखा था एग्जाम, लेकिन कोई यहाँ पे आज से ही आया है और वो एक्स्ट्रा है क्योंकि स्टूडेंट काउंट में एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा यहाँ पे आई है। बेवजह कोई नॉर्मल आर्ट स्टूडेंट साइंस के एग्जाम में नहीं आएगा, मुझे लगता है यही वो इविल इंसान है। हम दोनों को बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिर से एग्जाम शुरू होती है। फा के पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा डरावने से दिख रही थी। फा और अजीन ने उसे नोटिस किया था, दोनों चैट कर रहे थे उसके बारे में, दोनों को लग रहा था कि यही है। इवन उस लड़की ने भी उन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ था। वो लड़की फटाक से अजीन के सामने आ जाती है और अजीन डर जाता है। वो बोलती है मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, बोल के वो बाहर चली जाती है। फिर फा भी उसके पीछे पीछे भागती है और अजीन भी। अजीन फा को बोलता है तुम ज्यादा उसके पास मत जाना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है। दोनों अलग अलग उसे ढूंढने लगते हैं। फा वॉशरूम जाती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वही उसे पकड़ लेती है। फा बहुत जोर से चिल्लाती है, फिर अजीन भी उस तरफ भागने लगता है। अजीन उन दोनों को ढूंढने लगता है। वो लड़की फा को पकड़े हुए थी और बोलती है मैं तुम्हें बचाऊंगी। फिर वो ना अजीन को बहुत जोर से मारने लगती है और उसके ऊपर कुछ छोड़ती है, कुछ स्प्रे वगैरह करके। उसे लग रहा था कि अजीन बहुत ही ज्यादा इविल है, असल में ये लड़की बुरी नहीं थी। इस लड़की का नाम है इवा, ये असल में अजीन की जूनियर थी मैजिकल वर्ल्ड में। अजीन उसे पहचान जाता है, बोलता है तुम वही बेवकूफ लड़की हो ना जिससे मैजिक ठीक से नहीं होता है। वो बार बार उसे सॉरी बोलती है। अजीन बोलता है अगर फिर से कभी ऐसी कुछ हरकतें की ना तो मैं तुम्हारा ना डिमोशन कर दूंगा। और हाँ इवा, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, यहाँ पे मैं टीचर हूँ ना तो मुझे ढेर सारा काम करना पड़ता है, अभी मुझे अपने काम में जाना होगा। इवा बार बार उसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे भी आप लोगों के टीम में ले लीजिए, वो बार बार मना करता है। फिर फा बोलती है प्लीज ले लीजिए ना, वो मान जाता है। इवा फा को अजीन के बारे में ढेर सारी बातें बताती है, बोलती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे ना ढेर सारे मैजिक ट्रिक्स आते हैं। एक्चुअली इवा को लगा था कि अजीन ही वही बुरा इंसान है जिसने फा को हिप्नोटाइज करके
अपने अंदर लिया हुआ था, इसलिए फा हमेशा उसके पीछे पीछे घूमती है और फा ही अगली विक्टिम बनने वाली है, इसलिए उसने सोचा था कि वो फा को बचा लेगी। वो बोलती है मुझे लगा था अजीन एक एनिग्मा है। फा पूछती है ये एनिग्मा क्या होता है। वह हंसती बोलती है तुम्हें ये भी नहीं पता और तुम एक एनिग्मा को पकड़ने आए हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। एनिग्मा अपने आइडेंटिटी को छुपा के रखते हैं और वो कुछ भी इल्यूशन दिखा सकते हैं। वो लोगों को कटाक से हवा में उछाल सकते हैं और एक साथ ना जाने कितनों को वो मर पा सकते हैं। इजी बात ये है कि वो लोग ब्लैक मैजिक में ना एकदम महारथी होते हैं। अजीन छानबीन कर रहा था, फिर से उसे वो इविल साइन मिलती है और फिर वो कुछ कैलकुलेट करता है और समझ जाता है जंगल में कुछ होने वाला है। वो जंगल की तरफ भागने लगता है और इवा को ना कुछ होने लगता है और ये देख के फा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एनिग्मा स्कूल में आ चुकी थी, उसने इवा के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था और ये एनिग्मा कोई स्कूल स्टूडेंट ही थी। अजीन जंगल में जाकर एक पेड़ में बहुत ही अजीब सा कुछ देखता है। सब लोग एग्जाम दे रहे थे, काहोम के सामने ना एक पंछी आता है मरा हुआ और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो सामने की तरफ जाने लगती है तभी इसे ना खून की उल्टी होना स्टार्ट होती है। सिर्फ उसे ही नहीं आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को खून की उल्टी होना स्टार्ट होती है और स्कूल में ना एकदम भाग दौड़ मच जाती है। अभी उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था आसपास को देख के, तभी स्कूल से अनाउंसमेंट होता है कि क्या चल रहा है। अजीन उसके तरफ जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसका डिवाइस बजता है और वो सोचता है मुझे यहाँ पर ही रहना होगा। एनिग्मा धीरे धीरे स्कूल में एंटर कर रही थी और सभी स्टूडेंट बाहर की तरफ भाग रहे थे। अजीन के लिए कोई एक मैसेज छोड़ के गया था, लिखा था अजीन क्या तुम एनिग्मा ढूंढ रहे हो, तुम एक नौसिखिया हो और वरना कोई पावर उसे एकदम हवा में उछाल दी है। इवा और दूसरे स्टूडेंट्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। इवा को बचाने के लिए फा अपना नेकलेस उसे पहनाती है और इवा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि वो एकदम पोजेस्ड थी, फिर वो बेहोश हो जाती है। जब भी वो नेकलेस खोलती है उसके बाद ना फा के साथ होना स्टार्ट हो जाता है और फा को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, फिर ना सब कुछ ठीक हो जाता है। एक्चुअली अजीन ने जैसे तैसे करके सब कुछ ठीक किया था। फा बाहर जाती है और देखती है एनिग्मा जा रही थी, वो पीछे पीछे जाने लगती है। अजीन फा को कॉल करता है और बोलता है तुम्हें भी जहाँ पर भी हो वहाँ पर रहो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। वो बोलती है नहीं मुझे वो मिल चुकी है। अजीन उसे मना करता है उसके पीछे मत जाओ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमें हमारा प्लान चेंज करना पड़ेगा। उसकी विक्टिम और कोई नहीं तुम हो, वो पहले तुम्हें लेगा उसके बाद किसी और को। वो बस दिखा रहा था कि वो किसी और के पीछे है, तुम प्लीज उसके पीछे मत जाओ। फा बोलती है नहीं वो मेरे सामने है, हमने इतनी मेहनत की है इसे पकड़ने के लिए, मुझे इसके पीछे जाना ही होगा। अजीन उसे मना करता है, फिर भी वो रूम में एंटर करती है और रूम में एंटर करते ही ना सब कुछ एकदम चेंज हो जाता है। फा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अजीन बोलता है तुम कॉल मत काटो, क्या हो रहा है मुझे बोलो। फा बोलती है ये रूम बहुत ही अजीब है, क्या मैं टेलीपोर्ट हो चुकी हूँ। वो बोलता है नहीं तुम एक रूम में ही हो, स्कूल का कोई नॉर्मल रूम है, फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हें वो इल्यूशन दिखा रहा है शायद। वो बोलता है क्या कोई और है। वो बोलती है नहीं मैं अकेली हूँ। अजीन बोलता है नहीं वो तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हें बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा कूल रहना होगा, ज्यादा तुम हाइपर मत होना या फिर पैनिक भी मत करना। रियलिटी में फा एक नॉर्मल स्कूल के रूम में ही थी लेकिन उसे लग रहा था कि वो कहीं और पर है और उसके पीछे सच में एनिग्मा खड़ी हुई थी लेकिन उसे नहीं दिख रहा था। और फिर ना एनिग्मा उसकी तरफ आती है और वो समझ पा रही थी सच में कोई है। एनिग्मा को दिखाया जाता है वो और कोई नहीं नामशाई थी और वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसती है और अपने फेस पे मास्क लगाती है।